दोस्तों टेक्निकल प्रजो में आपका स्वागत है और मैं आपको आज इस वीडियो में जियो के प्रेस रिलीज इवेंट के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जियो का जो प्रेस रिलीज है जिसमें जियो अपने नए मीटिंग्स वगैरह को करता है, जिसमें जियो अपने नए प्रोडक्ट्स या नया जो प्लान्स वगैरह है उसको रिलीज करता है, तो उसके बारे में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जियो ने कल फाइनली अपने प्रेस रिलीज इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि हमें दोस्तों एससी न्यूज़ पता चली है कि जियो में दोस्तों बहुत सारे कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले टेक न्यूज़ वगैरह में आपको बताया था कि जियो कर्जे में डूबा हुआ है, इसके लिए शायद जियो अपना स्टेक एक्वायर कर रहे हैं बहुत सारा कंपनी, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। जियो ने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए बहुत सारे कंपनीज जैसे कि फेसबुक है, क्वालकॉम है, इंटेल है, गूगल है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। और गूगल ने दोस्तों अकेला 5 बिलियन की स्टेक जियो के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जियो की मार्केट वैल्यू की। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटली अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के बाद, तो जियो की मार्केट वैल्यू अभी 1,52,005 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी अभी हो चुकी है। एंड बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी इवोल्यूशन की कि जियो ने दोस्तों फाइनली जियो 5G के बारे में अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जियो जल्दी अपने 5G को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। क्लास 5G सर्विस इन इंडिया यूजिंग 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, और हमें ऐसी लगती है कि जियो ही ऐसा जो पहला कंपनी होगा जो कि इंडिया में 5G को लेके आएगा। तो दोस्तों क्या आप जियो 5G के लिए इंटरेस्टेड हो? मुझे कमेंट में आपका राय जो है वो जरूर बताना। और यहाँ पे दोस्तों जो 5G के इक्विपमेंट है, जो 5G बनाने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जो टावर्स वगैरह है या फिर जो बाकी सब चीज़ें वगैरह है, वो जियो ही सप्लाई करेगी इंडिया में। और साथ ही जो एवोल्यूशन है वो जियो की तरफ से हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। और जियो की जो 5G है ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और साथ ही इसकी जो सिर्फ ऑक्शन वगैरह है ये सब अभी तक बाकी रह गई है। और गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूवल दे देती है तो जल्दी हमें जियो 5G शायद नेक्स्ट ईयर के पहले में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कन्फर्मेशन अभी तक निकल के आई है। और साथ ही दोस्तों जियो एडुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। जी About the future being built right now, a world where no child is left behind. Our Jio education platform Imbibe takes these challenges head on. Yeah, दोस्तों Jio ने अपना एक नया Jio educational platform पे launch किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी COVID-19 का situation चल रहा है, अभी online education चारों तरफ चल रही है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जियो ने अपने एडुकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जहां पर जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी स्टूडेंट्स वगैरह को एडुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों जियो यहां पर जियो मार्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप विल बी वर्किंग क्लोजली टू क्रिएट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन स्मॉल मर्चेंट्स एंड किराना शॉप्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो जियो मार्ट है ये बेसिकली व्हाट्सएप के थ्रू काम करेगा। ये बेसिकली दोस्तों जो हमारे आसपास नेवर्स में जो किराना के दुकान वगैरह होते हैं या छोटे मोटे शॉप्स वगैरह होते हैं, उसको बहुत यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो जियो मार्ट है वो बेसिकली छोटे मोटे दुकान जो होते हैं, छोटे मोटे शॉप्स वगैरह है, उनको मद्देनजर रखते हुए ये क्रिएट किया गया है, जहाँ पर कि हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम अपने आसपास के नेवर्स में जो शॉप्स वगैरह है वहाँ से चीज़ें ऑर्डर करके ला पाएंगे। तो देखते हैं आखिर दोस्तों इसके बारे में और क्या डिटेल्स निकल के आती है, इसकी डिलीवरी वगैरह क्या होता है। तो जब ये सिर्फ अभी तक दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके बारे में और क्या डिटेल्स निकल के आती है मैं आपको आने वाले और कुछ डिटेल्स में या टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा। और साथ ही दोस्तों जियो ने यहाँ पे अपने जियो ऑल इन सब्सक्रिप्शन को भी लॉन्च किया है जियो टीवी प्लस के थ्रू। One of the challenges that our users faced was to discover their favorite content from the various applications that we had provided. This gave birth to Jio TV Plus, where we have aggregated all the content from over 12 leading global OTT players. यहाँ दोस्तों जैसे कि हमें Hotstar, Prime Videos, Amazon Prime या वगैरह वगैरह की लाइव स्ट्रीमिंग साइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो जियो ने अपने जियो टीवी प्लस को लॉन्च किया है, जहाँ पर दोस्तों हम अगर जियो की एक
सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब कि सपोज ये एक पैक जैसे होगा, रिचार्ज पैक जैसे होगा, जैसे कि 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ का हमें सब्सक्रिप्शन पेड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम सारी के सारी जो एमएक्स प्लेयर है या नेटफ्लिक्स वगैरह है, हॉटस्टार वगैरह है, अमेजन प्राइम वगैरह है, उनको एक ही साथ देख पाएंगे। जैसे कि हम दोस्तों हॉटस्टार में अलग से आपको सब्सक्रिप्शन पेड करना पड़ता है या अमेजन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन पेड करना पड़ता है, तो वैसे ही दोस्तों हम अगर जियो के जियो टीवी प्लस मेंबरशिप को लेंगे तो हमें एक साथ सारे सब्सक्रिप्शन फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, अभी तक कुछ प्लान्स वगैरह जियो ने लॉन्च नहीं किए हैं और इसके बारे में दोस्तों सिर्फ ये अभी तक डिटेल्स वगैरह ही निकल के आई है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट ही हुई है, इसकी एवोल्यूशन होना अभी तक बाकी है। और साथ ही दोस्तों जियो ने अपना एआर ग्लास को भी लॉन्च कर दिया। यहाँ दोस्तों ये बेसिकली 3D ग्लासेस, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में अगर गूगल का वर्चुअल VR यूज़ करेंगे तो आपको 3D जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है वो रियल लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे कि आप अपने घर के सामने बिल्डिंग वगैरह को खड़ा कर सकते हैं, आपके घर में अगर गाड़ी नहीं है वो सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी है, मतलब कि दोस्तों ओरिजिनली में वो नहीं होगा, लेकिन जैसे कि आपको आसपास 3D टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप 3D फिल्म्स वगैरह देखते हैं जहाँ पर आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी इस AR ग्लास के थ्रू। तो इसके बारे में दोस्तों और क्या डिटेल्स निकल के आती है और कब तक ये लॉन्च होता है, ये बेसिकली जो AR ग्लास है इसको बनाया गया है जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं, जो हमें COVID-19 सिचुएशन की वजह से जो मीटिंग वगैरह हो नहीं पा रहे, तो उसके लिए जो हमें फिजिकल एक आदमी को अगर देखना पड़ेगा उसके लिए इसे डेवलप किया गया है, जिससे कि 3D टेक्नोलॉजी के साथ आप किसी के साथ भी मीटिंग्स वगैरह या चैट्स वगैरह कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों जियो ने यहाँ पे अपने जियो के नए OS को डेवलप कर दिया है, पार्टनरिंग टू बिल्ड एन एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हमें लगा था कि जियो अपना नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जियो ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके अपने नए OS को डेवलप करने वाला है, जो कि शायद हमें 3rd generation जो जियो के स्मार्टफोन आने वाले हैं उसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्या आप जियो के स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो या वेट कर रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि जियो के कौन से प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म के लिए आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।